दान रिश्तों को मजबूत और मधुर बनाने के लिए किया जाता है, और ये तोहफे जब किसी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो तो आप तोहफे पाने वाले की अहमियत और उसके देश का महत्व समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को मुस्लिम देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से कई बार नवाजा। उन्हें सऊदी अरब, यूएई, फिलिस्तीन, अफगानिस्तान जैसे देश 6 बार पुरस्कार दे चुके हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लें या मनमोहन सिंह को लें तो उन्हें एक एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। खाड़ी देशों ने पीएम मोदी को अपने देशों के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। संयुक्त अरब अमीरात ने पीएम मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेख जायद मेडल से सम्मानित किया। बहरीन के बादशाह ने पीएम मोदी को किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा अवार्ड से सम्मानित किया। इस्लामिक देशों ने कुल मिलाकर 6 बार प्रधानमंत्री मोदी को अपने देशों के सबसे बड़े अवार्ड से सम्मानित किया है। ये जाहिर करता है कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना अरब देशों के लिए कितना जरूरी है। अप्रैल 2016 में सऊदी अरब ने पीएम मोदी को किंग अब्दुल अजीज साश अवार्ड से सम्मानित किया। अफगानिस्तान ने जून 2016 में पीएम मोदी को अमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड से नवाजा। फरवरी 2018 में फिलिस्तीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन सम्मान दिया। ये भारत की विदेश नीति ही है कि भारत ने अगर फिलिस्तीन के साथ कूटनीतिक संबंध रखे तो इसराइल के साथ। जून 2019 में मालदीव्स ने पीएम मोदी को रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन अवार्ड से सम्मानित किया। भारत और इस्लामिक देशों ने मोदी के कार्यकाल में कूटनीतिक, व्यापारिक और निजी रिश्तों में मजबूती देखी है। भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी बसती है। लाखों मुसलमान भारत से हर साल हज पर अरब जाते हैं। मुस्लिम मुल्कों को, खासकर खाड़ी देशों को, इस बात की अहमियत का अंदाजा है। तभी तो जब कभी भारत के अंदरूनी मामलों ने अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरनी शुरू की, अरब देशों ने उसे दूरी बनाकर रखी। पाकिस्तान ने जब कभी भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया, अरब ने उससे किनारा किया। 370 पर अरब देश भारत के साथ रहे। कश्मीर पर अरब मुल्क हिंदुस्तान के साथ रहे। बालाकोट पर खाड़ी देश पीएम मोदी के साथ रहे। जब भी किसी साजिश के चलते भारत के अंदरूनी मुद्दे विदेशों में चर्चा का विषय बने, अरब देशों ने उससे दूरी बनाए रखी। इस बात को तस्लीम किया कि वो हर मुद्दा भारत का आंतरिक मसला है और उसमें किसी को दखल अंदाजी का अधिकार नहीं। फिर वो 370 का मामला हो, पुलवामा हो या बालाकोट एयर स्ट्राइक। जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने हमेशा प्रोपेगेंडा फैलाया, लेकिन भारत की विदेश नीति के आगे पाकिस्तान को मुस्लिम देशों से भी ठोकर ही मिली है।
कश्मीर पर सऊदी अरब का समर्थन हासिल करना भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत रही। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक नए युग की शुरुआत। भारत ने कश्मीर से जब आर्टिकल 370 हटाया तो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ सऊदी अरब को लामबंद करने की कोशिश की, लेकिन उसको मुंह की खानी पड़ी। सऊदी अरब के अखबार सऊदी गैजेट ने पीएम मोदी की तारीफ कर दी। अखबार में लिखा गया कि भारत में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद मोदी सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं। भारत के खिलाफ अनुच्छेद 370 पर पाकिस्तान की सारी कोशिशें धरी की धरी रह गई। पाकिस्तान को तब भी बहुत शर्मिंदा होना पड़ा था जब उसके विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब के अपने समकक्ष से मुलाकात की और जम्मू कश्मीर पर बात की। इसके फौरन बाद ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान से $3 अरब का लोन वापस मांग लिया। अमन चैन कायम करना हो तो 370 के मामले में जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है उसका समर्थन करना पड़ेगा। और ये जो दूसरे देश हैं वो पूरी दुनिया में अमन चैन चाहते हैं। पाकिस्तान 370 पर भारत के खिलाफ तेहरान में एक कार्यक्रम करना चाहता था, लेकिन ईरान ने पाकिस्तान को ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। बहरीन ने भी 370 के मामले पर अपने देश में कई पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया जो भारत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। बहरीन आतंकवाद के मुद्दे पर भी हमेशा भारत के साथ खड़ा है। साफ है कि भारत की साझेदारी को कोई भी अरब मुल्क खोना नहीं चाहता। 370 एक ऐसा मामला है जिसमें पाकिस्तान को बोलना ही नहीं चाहिए। 370 के मामले पर जब जब पाकिस्तान यूएन में बोला है तब तब उसे मुंह की खानी पड़ी है, उसे नाराजगी झेलनी पड़ी है। और 370 भारत का आंतरिक मामला है और आंतरिक मामले में किसी भी बाह्य देश को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले का असर भी पाकिस्तान में तब देखने को मिला जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की सख्ती के बाद सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की अपनी यात्रा को एक दिन के लिए टाल दिया। गल्फ न्यूज ने लिखा कि पाकिस्तान चाहकर भी जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाएगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति मजबूत है।